नमस्कार दोस्तों, आज के स्नैपडे में आप जानने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन हो गया और निराश्रित महिला पेंशन हो गया और विकलांग पेंशन हो गया। जैसा कि सभी का पेंशन का पैसा जो है आना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि अगर आपका पेंशन आ चुका है और आपको अभी तक नहीं पता चला कि किस तरह से जो है आपको अपना पेंशन का पैसा चेक करना है। जैसा कि कभी कभी ये होता है कि आपके मोबाइल में मैसेज भी नहीं आता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया, तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन हो। जैसा दोस्तों जनवरी और फरवरी और मार्च का पेंशन का पैसा सभी का आना स्टार्ट हो चुका है, चाहे वृद्धा पेंशन हो और चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो और चाहे दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन हो। जैसा कि वृद्धा पेंशन वालों का जो है पेंशन लगभग आना स्टार्ट हो चुका है और दिव्यांग पेंशन वालों का भी आना स्टार्ट हो चुका है, बस निराश्रित महिला पेंशन वालों का जो है अभी थोड़ा लेट लग रहा है, अभी उनका पैसा नहीं लगाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपका वृद्धा पेंशन है या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन है या मान लीजिए निराश्रित महिला पेंशन है और आपका पेंशन का पैसा आ चुका है, तो आप किस तरह से जो है अपना पेंशन का पैसा चेक करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका मान लीजिए वृद्धा पेंशन है और अपना वृद्धा पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं या आपका दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन है और फिर भी आप अपना पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको चेक करना है, आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको सिंपली उसी में डाल देना है PFMS। इतना डाल के आपको सर्च पर प्रेस कर देना है। तो आप PFMS डाल के जैसे सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है जो लिखा होगा PFMS, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नाउ योर पेमेंट्स, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये अगला डिटेल कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाता है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा होगा पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना। जैसा कि नोट में यहाँ पर लिखा होगा इंटर फर्स्ट फ्यू करेक्टर ऑफ बैंक नेम, आपको अपने बैंक का नाम यहाँ पर कुछ वर्ड आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसा मान लीजिए आपका बैंक का बड़ौदा है तो आपको बड़ौदा यहाँ पर लिख देना है, और जैसे आप बड़ौदा लिखेंगे तो यहाँ पर बड़ौदा के नाम से पूरा यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ौदा के नाम से पूरा बैंक का नाम शो होकर आ चुका है। जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे फर्स्ट ही नंबर पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका जो भी बैंक हो आप अपना बैंक यहाँ से चूज कर लीजिएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर लिखा होगा एंटर अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। आपका जो भी अकाउंट नंबर हो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, और अकाउंट नंबर को फिल करने के बाद में आपको कंफर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके आपको दोबारा अकाउंट नंबर अपना यहाँ पर एंटर कर लेना है। और अकाउंट नंबर को डालने के बाद में आपको इस कैप्चर कोड को यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। जो भी आपके मोबाइल में कैप्चर कोड शो हो रहा हो आप अपने मोबाइल में उसी कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर कर लेना है, और एंटर करने के बाद में आपको सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का OTP सेंड कर दिया जाएगा। जैसा कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट दिखाई दे रहा होगा और स्टार्टिंग का आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर शो होके आ रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली लिखा होगा एंटर OTP, तो इस पर आपको क्लिक करके जो है अपना OTP यहाँ पर सिंपली फिल कर लेना है। जैसा कि नीचे लिखा होगा OTP विल बी एक्सपायर्ड इन 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट के अंदर ही अपना OTP यहाँ पर फिल करना है, और फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई OTP पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप वेरीफाई OTP पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके बैंक का डिटेल यहाँ पर पूरा शो होके आ जाएगा। जैसा कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा आपके बैंक का डिटेल शो होके आ जाएगा कि आपका पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया और कब आया और कितना आया, यहाँ पर पूरा शो होके आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट डेट वगैरह यहाँ पर पूरा शो होके आ जाएगा, और जितना आया रहेगा आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा यहाँ पर पूरा शो होके आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा विकलांग का पेंशन का पैसा 3000 आता है, 1000 रुपया मंथली जो है करके तीसरे महीना जो है लगभग 3000 रुपया आ जाता है, तो यहाँ पर 3000 रुपया लगभग शो होके आ ही रहा है, आप यहाँ से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पेंशन का पैसा आ गया होगा जनवरी फरवरी मार्च का, तो आप इसी तरह से जो है अपने मोबाइल से चेक कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में मैसेज के माध्यम से आपको नहीं बताया गया होगा कि आपका पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया, तो आप PFMS के माध्यम से जो है अपना पेंशन का पैसा बहुत ही आसानी तरीके से अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो और चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो और चाहे दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन हो। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप अपने मोबाइल से ही अपने पेंशन का पैसा चेक कर लीजिएगा। जैसा कि सभी का पेंशन का पैसा जनवरी और फरवरी और मार्च का आना स्टार्ट हो चुका है,
तो फटाफट अपना पेंशन का पैसा अपने मोबाइल से चेक कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि पेंशन का पैसा किस तरह से चेक किया जाता है और पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।